शामिल हुए हैं। मैं रजाली साहब से एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मैं तो अकेला ही चला था, कारवा बचा गया और बचा जाएगा इंशाल्लाह, कामयाबी भी आपको हासिल होगी। अल्लाह बड़ा बादशाह है, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जहां मजमा होता है उसका मंजर कुछ और होता है, जहां मजमा कम होता है वहां का रिजल्ट कुछ और होता है इंशाल्लाह ताला। जनाब रजा अली साहब मिर्जा अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त और ज्यादातर दिन आवाम की खिदमत में गुजारे हैं, और ये शख्स के जिताना आवाम की भी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो आवाम के खिदमत के लिए आगे आते हैं बिना किसी मतलब के, वैसे आदमी को जिताकर अपने डिवीजन में मुंतखब करना ये आवाम की जिम्मेदारी है और उनके लिए भी एक फायदेमंद होगी। क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति से यहूदपुरे में डिवीजन दबलपुरे के एक कैंडिडेट साहब ने, जिनका नाम जीशान से जाने जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी यहाँ से हासिल करे हैं। उन्होंने ही अपने दोस्त को इंतजार की और फिर दरख्वास्त की कि इस बार वो आप लड़े, और टीआरएस पार्टी ने रजा अली मिर्जा साहब को चुना इस बार, ताकि वो दोनों मिलकर रियासत तेलंगाना के इस मुंतखब करने पर टिकट को हासिल करने के लिए जो लड़ाई इन्होंने लड़ी है मोहब्बत और खुलूस के जरिए दोनों मिलकर, अब हम चाहते हैं कि दोनों के जरिए ही एक अच्छा सा वोट बैंक हासिल हो और रजा अली साहब इस इवेंट से कामयाबी हासिल करें इंशाल्लाह ताला। ये जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि आवाम जानती है रियासत तेलंगाना के अंदर टीआरएस पार्टी के सीएम केसीआर साहब कितने स्कीमात के जरिए आवाम को फायदे पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने सुना है मजीद जो लोग सहारे करते गए हैं और वो बताते गए हैं स्कीमात के जरिए, और स्कीमात की बयान अगर तहरीर जारी रखी जाए तो वक्त जो है ना कम रहेगा और सुबह हो जाएगी फिर शाम हो जाएगी, क्योंकि केसीआर साहब ने जितने स्कीमात आवाम के लिए वेलफेयर स्कीमात दिए हैं उस वेलफेयर स्कीमात के जरिए ही आवाम अपने घर में पुरसुकून अमन के साथ जिंदगी बसर कर रही है। जैसा कि बच्चों के लिए केसीआर किट की एक स्कीम है, केसीआर किट के जरिए बच्चों की माओ को सहूलत दी जा रही है, वो माँ बेहतर जानती है जो सैयद लायक अली साहब और एक्स प्रोपरेटर मोहम्मद जीशान साहब और तहसील इमाम साहब और महेंद्र साहब अनिल साहब, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी इन्होंने केसीआर साहब के और टीआरएस पार्टी के काफ़ी इस्तेमाल के बारे में बोले हैं। मेरे को बोलने का तो कुछ मौका नहीं है, अगर मैं गुजारिश करता हूँ कि टीआरएस पार्टी को जीत कर कामयाब बनाएंगे और केसीआर साहब को जीत कर कामयाब बनाएंगे, तो इतने इस्तेमाल तो केसीआर साहब जो 2001 से जो तेलंगाना के लिए लड़े हैं इंशाल्लाह 2014 में कामयाबी हुई। कोई हुकूमत ऐसा काम नहीं करी जो केसीआर साहब ने गरीबों के लिए, गरीबों का दाता और इसके बाद ऐसा कोई हुकूमत ऐसा नहीं बनाई 7 साल में जो केसीआर साहब बनाए इंशाल्लाह ताला। डबल बेडरूम स्कीम और कांग्रेस 200 रुपए स्कीम पे भी पेंशन और केसीआर साहब 2116 रुपए दिए और हैंडीकॉप जब किया कांग्रेस हुकूमत 300 रुपए देती थी केसीआर साहब 3116 रुपए दिए। कोई हुकूमत ऐसा काम नहीं करी, शादी मुबारक 2015 में 51,000 दिए, फिर उसके बाद जो केसीआर साहब 75,000 दिए, आज 1,116 रुपए हर गरीब से हर शादी मुबारक के लिए केसीआर में पहुंचा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और लोग फैसिलिटी और ऑटो स्कीम भी है और कार स्कीम भी है इंशाल्लाह। आने वाले टीआरएस पार्टी को 22 तो टीआरएस को कामयाब बनाइए। रजा अली मिर्जा आपके लिए एक छोटा सा भाई कितना
एक सोशल वर्कर भी हूँ और केसीआर साहब ने मेरे को मौका दिए। इंशाल्लाह आवाम के दरमियान मैं जो भी आपको खिदमत है इंशाल्लाह ताला मैं आप तक पहुँचाऊंगा। मेरा अपूर्ण भाई देखते हैं यानी कि टी आर एस पार्टी ने मेरे को सुना है, केसीआर चंद्रशेखर राव साहब ने मेरे को सुना है। इंशाल्लाह ताला मैं कामयाबी करूंगा, टी आर एस पार्टी को जीत कर कामयाब बनाएंगे। और भाई और बहनों से गुजारिश करता है बारिश को फिर अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock को निकल कर टी आर एस को 5 नंबर निशान कार का 5 नंबर निशान है वोट डाल कर कामयाब बनाइए। जय तेलंगाना, टी आर एस पार्टी जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। शुक्रिया सुनकर शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जिंदाबाद।